नमस्कार दोस्तों, इन दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीआईटी अपील विंग यानी नेशनल फेसलेस अपीलेट सेंटर की ओर से ऐसे करदाताओं को जिन्होंने अपील्स फाइल कर रखी हैं किसी असेसमेंट ऑर्डर वगैरह पर, ऐसी मेल्स प्राप्त हुई जिनमें यह कहा जा रहा है करदाताओं को कि क्या आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम ईडीआरएस 2022 का बेनिफिट लेना चाहते हैं, और यदि लेना चाहते हैं तो जो नोटिस है उसके अंदर कुछ प्रिस्क्राइब्ड तरीका वर्णित है जिसको अपनाते हुए आप ईडीआरएस स्कीम 2022 का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरीके की मेल से मुझे ये प्रेरणा हुई कि मैं ईडीआरएस 2022 की ये जो स्कीम है उसके बारे में आपके सामने एक संक्षिप्त विवेचना विद सम इम्पोर्टेंट एफएक्यूज रखूं, ताकि यदि आपको लगता है कि ये स्कीम आपके लिए काम की है, इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे ऑप्ट कर सकें। तो सबसे पहले आपके समक्ष कुछ फीचर्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम ईडीआरएस 2022 रखता हूं कि फॉर्मेशन ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटीज किया गया 18 रीजन्स में भारत सरकार द्वारा एज पर द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 245 MA। ये कमिटीज एक तरीके से तीन अथॉरिटीज का कॉम्बिनेशन है जिसमें दो रिटायर्ड ऑफिसर्स एट चीफ कमिश्नर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर लेवल और एक वर्तमान में जो कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर लेवल के अधिकारी होंगे वो शामिल हैं। यहां जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको ईडीआरएस स्कीम में, दैट विल बी कंप्लीटली थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रूबरू होने की कहीं भी जरूरत नहीं है। जो भी आपका कार्यक्रम होगा, किसी तरीके का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, वो पूर्णतः ऑनलाइन मोड में होगा। प्रोसीजर को सिंप्लीफाइड रखा गया है ताकि रिड्यूस लिटिगेशन हो इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम एनी वेरिएशन इन स्पेसिफाइड ऑर्डर इन हिज केस एंड हु फुलफिल्स स्पेसिफाइड कंडीशन। एक दो इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स आएंगे कि स्पेसिफाइड केस क्या होता है, स्पेसिफाइड पर्सन क्या होता है, उस पर भी मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी की जो की पावर्स हैं जो आपको प्रेरित करेंगे कि मैं ईडीआरएस स्कीम 2022 में जाऊं, तो डीआरसी शेल हैव द पावर टू रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी इम्पोजिबल अंडर दिस एक्ट और ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट इन केस ऑफ अ पर्सन हूज डिस्प्यूट इज रिजॉल्व अंडर दिस चैप्टर और दिस पर्टिकुलर स्कीम। यानी अगर इस स्कीम में आप बेनिफिट देखना चाहें तो आपको सबसे मूल बेनिफिट होगा, आपकी पेनल्टी रिड्यूस हो सकती है, वेव हो सकती है, और आपको प्रोसिक्यूशन से भी इम्यूनिटी दी जा सकती है। सो अब स्टेप बाय स्टेप एक एक करके क्वेश्चन आंसर के रूप में बातों को समझेंगे। व्हाट इज ईडीआरसी? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी इज अ कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 245 MA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रेड विद रूल 44DAA ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962। ईडीआरसी इज एन ऑल्टरनेटिव टू द रेगुलर अपीलेट प्रोसीडिंग्स प्रोवाइडेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट ईजी सीआईटी अपील ITAT एक्सेट्रा। सो नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाई शुड वन अप्रोच टू द डीआरसी? के कोई व्यक्ति डीआरसी में अप्रोच क्यों करे? वन शुड अप्रोच टू ईडीआरसी टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड वेवर ऑब्लिक रिडक्शन इन पेनल्टी आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस एज पर द स्कीम विच विल बी नोटिफाइड विच इज रादर नोटिफाइड एक्चुअली नोटिफाइड बाई सीबीडीटी बाई नोटिफिकेशन नंबर SO 1642 within bracket E dated 5th of April 2022। तो ये स्कीम दोस्तों 2022 से ही प्रिवेल कर रही। अब अगला प्रश्न, who can approach to EDRC? EDRC यानी E आप मान सकते हैं ऑनलाइन के लिए वर्डिंग यूज किया गया है, और DRC यानी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी। सो अ स्पेसिफाइड पर्सन मे अप्रोच टू द ईडीआरसी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम एनी वेरिएशन इन द स्पेसिफाइड ऑर्डर एज स्पेसिफाइड बाय सीबीडीटी। तो अब आपको नेचुरली मेरे साथ समझना है हु इज अ स्पेसिफाइड पर्सन एंड विच इज अ स्पेसिफाइड ऑर्डर। सबसे पहले समझते हैं हु इज अ स्पेसिफाइड पर्सन फॉर ईडीआरसी। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी में आने के लिए स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन मींस अ पर्सन हु फुलफिल्स द कंडीशंस मेंशन इन सेक्शन 245 MA सबसेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 रेड विथ रूल 44DAD ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962 विच आर एज अंडर। 1, ही इज नॉट अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम any order of detention has been made under conservation of foreign exchange and prevention of smuggling activities act 1974
ही इज नॉट अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम प्रोसिक्यूशन हैज बीन इंस्टीट्यूटेड और हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंडियन पैनल कोड अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोथ्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड देर आर सर्टेन अदर एक्ट्स विच आई विल डिस्कस फर्दर. So this slide is continuing. He is not a person in respect of whom the prosecution has been initiated by income tax authority for any offence punishable under the provision of this act or IPC or for the purpose of enforcement of any civil liability under any law for timing in force or such person has been convicted of any offence consequent upon the prosecution initiated by income tax authority. यानी अगर prosecution already initiate हो गया तो आप EDRC में नहीं जा सकते, लेकिन initiate नहीं हुआ तो आप EDRC में भी जा सकते हैं. He is not a person who has been convicted of any offence consequent to the prosecution initiated by income tax authority. He is not notified under section 3 of special code Trial of offences relating to transactions in Securities Act 1992. He is not a person in respect of whom the proceedings under the Black Money, Undisclosed Foreign Income and Assets and Imposition of Tax Act 2015 has been initiated for the assessment year for which the resolution of dispute is sought as per Rule 44 DAD of Income Tax Rules 1962 and such other conditions as may be prescribed. So, ye ek mota moti baat aapko samajhni hai ki kaun person स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा, जो इन कैटेगरीज में कवर्ड नहीं है वो व्यक्ति स्पेसिफाइड पर्सन माना. अब स्पेसिफाइड पर्सन को समझने के बाद दोस्तों स्पेसिफाइड ऑर्डर शब्द और आपको पकड़ना है कि इसका क्या अर्थ है. विच ऑर्डर इज एलिजिबल टू बी स्पेसिफाइड ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ ईडीआरसी एप्लीकेशन. द स्पेसिफाइड ऑर्डर इन रिलेशन टू अ डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 245MA ऑफ द एक्ट मींस वन. अब आपको एक एक ऑर्डर मैं यहां पर वर्णित कर रहा हूं कि कौन से ऑर्डर को आप मानेंगे कि ये ऑर्डर एलिजिबल है ईडीआरसी स्कीम में जाने के लिए. अ ड्राफ्ट ऑर्डर एज पर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 144C ऑफ द एक्ट. तो कभी कभी क्या होता है कि असेसिंग ऑफिसर नॉन रेजिडेंट के केस में एक ड्राफ्ट ऑर्डर बनाता है बिकॉज ऑफ दैट डीआरपी प्रोसीजर्स ऑफ सेक्शन 144C. तो यदि आपके पास वो ड्राफ्ट ऑर्डर है और आप उस ड्राफ्ट ऑर्डर में पेनल्टी से प्रोसिक्यूशन से किसी प्रकार की वेवर रिडक्शन चाहते हैं पेनल्टी वेवर का, तो ऐसी परिस्थिति में आप सीधे ईडीआरसी स्कीम में जा सकते हैं. एन इंटीमेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द एक्ट और सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 200A और सबसेक्शन 1 ऑफ 206CB ऑफ द एक्ट. यानी जहां पर आप पर कोई 143(1) सेक्शन में 200A यानी TDS में या 206CB TCS की कोई इंटीमेशन जारी हुई है रिगार्डिंग सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्शंस टू द एडजस्टमेंट विच आर मेड इन सच पर्टिकुलर ऑर्डर, देन ऑल्सो यू कैन गो एंड फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द ईडीआरसी. एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट एक्सेप्ट एन ऑर्डर पास इन परसुएंस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ डीआरपी. तो अगर ऑलरेडी डीआरपी के डायरेक्शन पास हो गए फिर तो आप ईडीआरसी में नहीं जा सकते. इसके अलावा यदि डीआरपी का अभी डायरेक्शन नहीं आया या 143(3), 147, 144 के ऑर्डर की प्रोसीजर है जहां पर ऑर्डर पास हो गया वहां पर ईडीआरसी में अप्रोच कर सकते हैं. एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 154 ऑफ द एक्ट हैविंग द इफेक्ट ऑफ एनहांसिंग द असेसमेंट और रिड्यूसिंग द लॉस, जहां आपके किसी असेसमेंट में रेक्टिफिकेशन के थ्रू आपका कोई पर्टिकुलर लॉस एनहांस लॉस रिड्यूस किया जा रहा है या इनकम एनहांस की जा रही है, तो भी आप ईडीआरसी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं. एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 201 ऑफ द एक्ट और एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ 206C ऑफ द एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. कंडीशन क्या है उस पर भी मैं बोलता हूं. पहली बात आपके समक्ष ये रखूंगा, यदि आपको असेसिंग डिफॉल्ट मानना है टीडीएस टीसीएस नॉन कंप्लायंस में, तो भी आप ईडीआरसी में एप्लीकेशन लगा के पेनल्टी प्रोसिक्यूशन से मुक्ति क्लेम कर सकते हैं. अब जो सेक्शन 201 206CB से रिलेटेड डिस्कशन था और बाकी के असेसमेंट से रिलेटेड भी डिस्कशन है, उनमें कुछ क्वांटम फिक्स किया गया है. क्वांटम बहुत इंपॉर्टेंट है. ए, द एग्रीगेट सम ऑफ वेरिएशंस प्रपोज्ड और मेड इन सच ऑर्डर डज नॉट एक्सीड 10 लाख रुपीस. यानी
आपके लिए जो वेरिएशन किया गया है ये उन्हें अपने ऑर्डर में, स्पेसिफाइड ऑर्डर में, जो चाहे असेसमेंट से रिलेटेड हो, जो चाहे ड्राफ्ट ऑर्डर के रूप में हो, जो चाहे 143(1) का मैटर हो, 154 का मैटर हो, या टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड मैटर हो, तो जो वेरिएशंस हैं वो 10 लाख से ज्यादा के ना हो। एंड द रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड बाय द असेसी फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू सच ऑर्डर एंड द टोटल इनकम एज पर सच रिटर्न डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। तो जैसे असेसमेंट के मैटर्स में ये बात बिल्कुल खरी लागू होगी कि असेसी ने अपनी रिटर्न भर दी और उसकी टोटल इनकम एज पर आईटीआर फाइल्ड बाय द असेसी 50 लाख से ज्यादा नहीं हो, एंड द ऑर्डर इन केस असेसी इज नॉट बेस्ड ऑन, ये बड़ी तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई है कि जिस असेसमेंट ऑर्डर पर आप ईडीआरसी में जाना चाह रहे हैं पेनल्टी प्रोसिक्यूशन से मुक्ति लेने, वो ऐसा ऑर्डर नहीं है जो किसी सर्च जो कि 132 या रिक्विजिशन जो इनकम टैक्स एक्ट के 132A में इनिशिएट किए गई हो उनसे रिलेटेड हो, इन केस ऑफ द असेसी और एनी अदर पर्सन। कई बार असेसी का केस दूसरे व्यक्ति पर हुई सर्च की वजह से भी खुल जाता है, तो ऐसा मैटर भी ईडीआरसी में जाने योग्य नहीं है। सर्वे कैरिड आउट अंडर सेक्शन 133 ऑफ द एक्ट, इसी प्रकार असेसी का केस किसी इनकम टैक्स के सेक्शन 133 के सर्वे से लिंक नहीं हो, या इट इज नॉट पर्टेनिंग टू इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर एन एग्रीमेंट रेफर टू इन सेक्शन 90 और 90 ऑफ द एक्ट। कई बार डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में भारत सरकार को कुछ सूचना मिलती है, तो यदि वहां से सूचना मिली और फिर आपका असेसमेंट किया गया है या वहां कोई टीडीएस टीसीएस नॉन कंप्लायंस है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप ईडीआरसी में अप्रोच नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे दोस्तों मैं आगे बढ़ूंगा आपकी क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है हाउ टू फाइल एप्लीकेशन फॉर ईडीआरएस। सो ईडीआरएस एनेबल्स द टैक्स पेयर हु फुलफिल सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशन एज स्टिपुलेटेड इन सेक्शन 245MA ऑफ द एक्ट टू फाइल एन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली। मैंने पहले भी बोला था कि यहां कुछ भी मैनुअल हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं है, सारा इलेक्ट्रॉनिक होगा यानी ऑनलाइन होगा। फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टू द डीआरसी डेजिग्नेटेड फॉर द रीजन ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर टैक्स पेयर। से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर राजस्थान में कोई पर्टिकुलर केस है या जयपुर में कोई पर्टिकुलर केस है, तो मैं ये मान लेता हूं कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जयपुर ज्यूरिसडिक्शन में आपको इलेक्ट्रॉनिकली अपनी ईडीआरएस एप्लीकेशन लगानी है। डीआरसीज हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन ऑल 18 ज्यूरिसडिक्शन प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रीजन्स अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे भारतवर्ष में 18 प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स रीजन्स में ऑलरेडी डीआरसीज फ्रेम हो चुकी है। अब दोस्तों बात कर रहा हूं हाउ टू अप्लाई फॉर ई डी आर एस। क्या आपको पता हो कि आपको ऑनलाइन जब ई डी आर एस लगाना है तो क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप वन, क्लिक लॉग इन टू इनकम टैक्स पोर्टल www.eportal.incometax.gov.in। आपको अपना पैन या टैन एज अ यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके शुरू करना है। नेविगेट टू ई फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, वंस योर लॉग इन इज डन फिर आप ई फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाएंगे। वहां पर आपको फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाना है, वहां पर क्लिक करना है फिल फॉर्म 34BC, प्रोवाइड अटैचमेंट एज एप्लीकेबल एंड सेल्फ डिक्लेरेशन अवेलेबल ऑन ई फाइलिंग पोर्टल एंड पे द रिक्विजिट फीस। या 1000 रुपए का एक चालान भी आपको देना है ई डीआरएस स्कीम के लिए। अंडर द चालान मेजर हेड मिसिनस रिसीट एंड माइनर हेड अदर मिसिनस रिसीट। और अगर आपका टीडीएस का मैटर है तो भी ये चालान जमा होगा, असेसमेंट का मैटर है, रेक्टिवेशन का है, तो भी ये चालान जमा होगा। अगला स्टेप देखिए, इसी में रिव्यू द डिटेल्स ऑन परव्यू स्क्रीन एंड प्रोसीड टुवर्ड्स ई वेरीफाइंग द फॉर्म वेदर ऑल द डिटेल्स आर करेक्टली फिल्ड। देन द टैक्स पेयर विल ई वेरीफाई द फॉर्म 34BC यूजिंग आधार, ओटीपी, ईवीसी और डिजिटल सिग्नेचर एक्सेट्रा। आफ्टर सक्सेसफुली फाइलिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। आफ्टर सक्सेसफुली फाइलिंग ऑफ फॉर्म 34BC अलॉन्ग विद द अटैचमेंट्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन द अपील एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू डाउनलोड कंप्यूटर जनरेटेड फॉर्म 34BC अलॉन्ग विद अटैचमेंट एंड मेल द सेम टू द डेजिग्नेटेड ईमेल आईडी ऑफ रिस्पेक्टिव ईडीआरसी। जैसा अभी मैंने बोला कि पूरे भारतवर्ष में 18 प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स रीजन्स में ऑलरेडी डीआरसीज ईडीआरसीज बन चुके हैं, तो आपको उनके रिस्पेक्टिव मेल आईडी ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। आप रिस्पेक्टिव जो कंसर्निंग आपसे रिलेटेड ज्यूरिसडिक्शन एरिया से रिलेटेड प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रीजन है उसमें वो फॉर्म 34BC ईमेल से भेज देना है। प्लीज नोट द मेल मे बी सेंड फ्रॉम द सेम ईमेल आईडी ऑन विद द एप्लीकेंट वुड लाइक टू रिसीव कॉरेस्पॉन्डेंसेज फ्रॉम ईडीआरसी
दैट इज प्रिंसिपल सीसीआईटी रीजन। अब एक क्वेश्चन ये भी डील कर लेते हैं, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन बिफोर डीआरसी और ईडीआरसी। द एप्लीकेशन फॉर ईडीआरसी इज टू बी फिल्ड इन फॉर्म नंबर 34BC, रेफर टू इन रूल 44DAB ऑफ द रूल्स ऑन द ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विद इन वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ स्पेसिफाइड ऑर्डर। तो जब आपको स्पेसिफाइड ऑर्डर जो असेसमेंट का हो सकता है या जो आपके मैटर में रेक्टिफिकेशन का हो सकता है, इंटीमेशन से रिलेटेड हो सकता है, टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड हो सकता है, तो विद इन वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ स्पेसिफाइड ऑर्डर आपको ईडीआरएस के लिए फॉर्म 34BC सुनिश्चित करना पड़ेगा। इन केसेस वेयर अपील हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड एंड इज पेंडिंग बिफोर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, द एप्लीकेशन फॉर ईडीआरएस इज टू बी फाइल्ड ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2024। तो ऐसे मैटर में दोस्तों, जहां ऑलरेडी आप सीआईटी अपील में अपने मैटर को लेकर के अपील फाइल कर चुके हैं, तो आपके पास में ईडीआरएस स्कीम के अंदर अप्लाई करने के लिए जो टाइम लिमिट है वो 30 सितंबर 2024 तक का होगा। एंड इन केसेज वेयर स्पेसिफाइड ऑर्डर हैज बीन पास ऑन और बिफोर 31st of August 2024 एंड द टाइम फॉर फाइलिंग अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर बिफोर सीआईटी अपील हैज नॉट लैप्स्ड, द एप्लीकेशन फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैन बी फाइल्ड ऑन और बिफोर 30th September 2024। तो ये ड्यू डेट है, तो जिस समय मैं ये वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ 30 सितंबर 2024 अभी आनी बाकी है, तो आपको ये देखना है कि क्या आपके केस में ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम लगती है, आपको कोई बेनिफिट हो सकता है, और इस विषय में आप अपने सीए अथवा टैक्स एडवोकेट से चर्चा करके डिसाइड कर सकते हैं। और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पेनल्टी से प्रोसिक्यूशन से मुक्ति मिल सकती है अगर मैं स्कीम का लाभ उठाऊं, तो आई थिंक यू आर एट द राइट प्लेस। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, इज देयर अ टाइम लिमिट फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी टू पास एन ऑर्डर। द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी इज मैंडेटेड टू पास इट्स ऑर्डर विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज एडमिटेड बाय। दिस इज इंपॉर्टेंट कि एक टाइम बाउंड मैनर में आपको ऑर्डर मिल जाएगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी का। तो यहां बात कर रहा हूं व्हाट आर द पावर्स ऑफ ईडीआरसी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी के पास में पावर क्या क्या है। द पावर्स ऑफ ईडीआरसी आर गिवन इन 5(1) ऑफ ईडीआरएस 2022 व्हिच आर एज अंडर। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी शैल हैव द पावर टू वेव, रिड्यूस, ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस एज पर रूल 44DAC। एनी प्रोसीडिंग बिफोर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग within the meaning of section 193 and 228 and for the purpose of 196 of IPC, and every income tax authority shall be deemed to be a civil court for the purpose of section 195 but not for the purpose of chapter 26 of the code of criminal procedure 1973. If any difficulty arises in giving effect to the order of dispute resolution committee, it may on its own motion or on an application made by assessee or the AO through principal commissioner of income tax or commissioner of income tax as the case may be, remove the difficulty in so far as it is not inconsistent with the provision of this act. दोस्तों, हमने जो powers की बात करी कि dispute resolution committee के पास में power है, क्या power है, वो rule 44DAC of income tax rules से emanate हो रही है। तो मैं एक बार ये rule का precise reference लेना चाह रहा हूं ताकि आपको और clarity से इस scheme का purpose मालूम हो। पावर टू रिड्यूस और वे पेनल्टी इम्पोजेबल और ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन और बोट बोथ अंडर दिस एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यहां पर पेनल्टी इम्पोजेबल के संदर्भ में रिडक्शन या वेवर का ऑप्शन मिलेगा। यानी अगर पेनल्टी इम्पोज हो गई, लग गई ऑलरेडी, तो मेरे हिसाब से ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2022 आपके लिए उपयुक्त रही। लेकिन अगर पेनल्टी लगना प्रस्तावित है तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए ये बिल्कुल एक हेवन हो सकता है, इंपॉर्टेंट जगह हो सकती है। तो मैं 44DAC रूल पढ़ता हूं। डीआरसी शेल अपॉन रिसीट ऑफ इंटीमेशन एज पर क्लॉज 19 ऑफ सब पैराग्राफ 1 ऑफ पैराग्राफ 4 ऑफ ईडीआरएस 2022 सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट मे थिंक फिट टू इम्पोज फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ग्रांट टू द पर्सन हु मेड एन एप्लीकेशन फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 245MA ऑफ द एक्ट वेवर ऑफ पेनल्टी इम्पोजेबल और इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन और बोथ in respect of the order which is subject matter of resolution if it is satisfied that such person has. अब कुछ conditions है कि क्या condition पूरी होंगी तो आपको जो commissioner होगा that authority will provide you immunity from any kind of
पेनल्टीज, मे बी इट्स वेवर और मे बी इट्स रिडक्शन और मे बी इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन काइंड ऑफ थिंग। सो अब शर्तें क्या पूरी करनी है अथॉरिटी को? सच ही हैज पेड टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम इन फुल इफ अवेलेबल एंड कॉपरेटेड विद द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी इन द प्रोसीडिंग्स बिफोर इट। इसी रूल 44 DAC में सब रूल टू, नॉट डिस्टेंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब रूल वन, नो कम्युनिटी शेल बी, नो इम्यूनिटी शेल बी ग्रांटेड बाय द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी इन अ केस वेयर प्रोसीडिंग फॉर प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस हैज बीन इनिशिएटेड बिफोर द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन एज रेफर टू इन क्लॉज वन ऑफ सब पैराग्राफ वन और पैराग्राफ फोर ऑफ द ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2022। यानी सीधी सी बात किया जाए तो आपको इम्यूनिटी जो ग्रांट होनी है वो तब नहीं ग्रांट होगी जहां प्रोसिक्यूशन रिलेटेड कोई पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस है वो आपकी एप्लीकेशन रिसीव होने से पहले ही चालू किया जा चुका है। एंड एन इम्यूनिटी ग्रांटेड टू अ पर्सन अंडर सब रूल वन शेल स्टैंड विड्रॉन इफ सच पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी ऑफ द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच इम्यूनिटी वॉज ग्रांटेड एंड देयर अपॉन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई एज इफ सच रिटर्न एज इफ सच इम्यूनिटी और वेवर हैड नेवर बीन ग्रांटेड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और ठोस सेक्शन 44 245 एम के रिलेशन में एक रूल 44 DAC आपके समक्ष रखा। आई होप आप इसके इंटरप्रिटेशन समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए तो और क्लैरिटी से इन सेक्शंस को, इन रूल्स को पढ़ने का कोशिश करें। अब दोस्तों आपके समक्ष रिलेवेंट इनकम टैक्स रूल्स के, हमने ये तो देख लिया कि DRC रिलेटेड प्रावधान इनकम टैक्स की धारा 245 MA से पैदा हुए, लेकिन उसके संदर्भ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ रूल्स भी बनाए जो इनकम टैक्स रूल 1962 में इंसर्ट किए गए। सो फॉलोइंग रूल्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन इनकम टैक्स रूल्स 1962 फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम। व्हाट आर दोज रूल्स? सो दे आर रूल 44 DA विच डील्स इन एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन अंडर सबसेक्शन वन ऑफ सेक्शन 245N एंड इंटीमेशन देयरऑफ, 45 DAA कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी, 44 DAB एप्लीकेशन फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बिफोर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी, 44 DAC पावर टू रिड्यूस वे पेनल्टी इम्पोजेबल और ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन और बोथ अंडर दिस एक्ट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द डेफिनेशन पोर्शन। अब दोस्तों जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट FAQs ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम से रिलेटेड हैं, वो भी एक एक करके आपसे डिस्कस करता हूं। पहला क्वेश्चन, कैन EDRC टर्मिनेट इट्स प्रोसीडिंग? आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी में अपना केस लगा दिया कि साहब मेरे को पेनल्टी से, प्रोसिक्यूशन से मुक्ति दीजिए, तो क्या आपकी वो प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो सकती है? तो EDRC मे एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग डिसाइड टू टर्मिनेट द प्रोसीडिंग इफ द अपीलेंट फेल्स टू कॉपरेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग, अपीलेंट फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू और सबमिट एनी इन्फॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस, कमिटी इज सेटिस्फाइड दैट द असेसी ऑब्लिक एप्लीकेंट हैज कंसील्ड एनी पर्टिकुलर मेटेरियल टू द प्रोसीडिंग्स और हैड गिवन फॉल्स एविडेंस, द असेसी फेल्स टू पे डिमांड एज रिक्वायर्ड अंडर क्लॉज 14 ऑफ सब पैरा वन ऑफ पैराग्राफ 4 ऑफ द स्कीम। तो इन परिस्थितियों में EDRC आपकी प्रोसीडिंग्स को, जो आप वेवर के लिए आए हैं इम्यूनिटी या पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन के लिए, उसको टर्मिनेट कर सकती है। ये बात ध्यान रखना है। अभी दोस्तों हमने बात करी थी कि ये सारा प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिकली चलेगा और आपको एक फॉर्म 34BC भरना है। तो ये फॉर्म 34BC के साथ में क्या कोई अटैचमेंट भी आपको लगाने हैं क्या? यस, फॉर्म 34BC रिक्वायर्स टू मैंडेटली अटैच डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस रिलाई अपॉन बाय द एप्लीकेंट एंड द ग्राउंड्स ऑफ एप्लीकेशन। फर्दर द एप्लीकेंट हैज टू अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद 34BC, वन कॉपी ऑफ ऑर्डर इंटीमेशन बाय द AO और ड्राफ्ट ऑर्डर, टू डिमांड नोटिस इफ एनी, थ्री प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, देन फोर्थ प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स पेड ऑन द रिटर्न इनकम, ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन, एंड ये सारे डॉक्यूमेंट लगा करके आपको अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करानी है। यानी एक तरीके से आपने एप्लीकेशन करी, जैसा मैंने पहले कहा था कि आपको जो भी आपकी कंसर्न कमिटी है उस तक मेल के थ्रू ये फॉर्म 34BC भी पहुंचाना है। अब इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है, हाउ विल द एप्लीकेंट नो वेदर हिज एप्लीकेशन अंडर फॉर्म 34BC इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ फॉर्म 34BC?
बिफोर द डेजिग्नेटेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी एप्लीकेंट विल रिसीव ऑन इज रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एज वेल एज चूजन ईमेल एट पॉइंट नंबर 12 ऑफ 34 BC एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. वन, इफ आफ्टर स्क्रीनिंग सम डेफिशिएंसी इट इज फाउंड इन द एप्लीकेशन दैट अ डेफिशिएंसी इज देयर देन अ डेफिशिएंसी लेटर विल बी इशूड asking applicant to remove the deficiency. A letter from dispute resolution committee that the application is in order and is to be proceeded with shall be communicated to the assessee, or a letter asking the applicant, that is the appellant, to show cause why this application should not be rejected, giving reasons for such proposed rejection. ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि हम EDRS स्कीम में जा रहे हैं, हमें ऑनलाइन फॉर्म 34 BC भरना है. तो क्वेश्चन आएगा, व्हाट विल हैपन टू द पेंडिंग अपील ऑफ एप्लीकेंट बिफोर सीआरटी अपील आफ्टर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन बाय डीआरसी, और इफ नो अपील हैज बीन फाइल्ड बिफोर सीआरटी अपील बिफोर कमिंग टू डीआरसी. जैसे मैं तो सीधे ईडीआरसी में चला गया असेसमेंट ऑर्डर के बाद, अपील करी नहीं. तो ऐसी परिस्थिति में क्या आंसर मिल रहा है? इफ द एप्लीकेंट हैज ऑलरेडी फाइल्ड अपील बिफोर सीआरटी अपील, देन इन इवेंट ऑफ असेसी अप्लाइंग इन 34 BC before EDRC, the proceeding before CIT appeal will be suspended or abated. If the application is rejected, the application, that is the applicant, can pursue his appeal already filed before CIT appeal or file a fresh appeal before CIT appeal. If already not filed, then the time taken by EDRC to reject your application will be reduced from the time actually allowed to file such particular application before CIT appeal. So, क्या होगा इससे एक आंसर और मिला कि मान लीजिए आपका केस रिजेक्ट हो गया और आप सीआईटी अपील में गए नहीं, ईडीआरसी ने बोला कि नहीं साहब हम इम्यूनिटी नहीं देंगे, तो आपका केस फिर से सीआईटी अपील में जाने लायक है, आप फिर सीआईटी अपील में रिजेक्शन के बावजूद भी जा सकते. बात करता हूं व्हाट शुड एप्लीकेंट डू आफ्टर द रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम ईडीआरसी दैट इज एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड बाय ईडीआरसी टू बी प्रोसीडेड विद द अपीलेंट विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम ईडीआरसी दैट द एप्लीकेशन इज एडमिटेड इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ प्रूफ ऑफ विड्रॉल ऑफ अपील फाइल अंडर सेक्शन 246A ऑफ द एक्ट और विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन बिफोर डीआरसी इफ एनी to the dispute resolution committee or to convey that there is no aforesaid proceeding pending in this case, failing with the DRC may reject the application. So this is very important point procedurally to be taken care of. Agla question, what if the application of the applicant is rejected by the EDRC? In the event of rejection of application by EDRC, the appellant can file appeal before CIT appeal, and time taken by EDRC to convey the rejection of application shall be reduced from the time allowed to file an appeal before CIT appeal. In case appeal is already filed before the filing application to EDRC, the applicant can pursue his appeal already filed before CIT appeal. एक और क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ये क्वेश्चन दोस्तों एफएक्यू से आ रहे हैं जो ईडीआरसी स्कीम पर ईडीआरएस स्कीम पर लेकर के भारत सरकार आई. आप इन एफएक्यूज को आपको गूगल पे मिल जाएंगे, इनको भी पढ़ सकते हैं, तो इससे आपका ज्ञानवर्धन होगा. हाउ द प्रोसीडिंग बिफोर ईडीआरसी विल प्रोसीड द एप्लीकेंट विल रिसीव ऑल द कम्युनिकेशन फ्रॉम ईडीआरसी ऑन हिज रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड द ईमेल आईडी मेंशन अबव बाय हिम इन पॉइंट नंबर 12 ऑफ फॉर्म 34 BC. Applicant has to respond to the registered email ID of his address to the office jurisdiction EDRC. तो आपको यदि वहां से नोटिस आता है तो आपको अपना पूरा पक्ष EDRC के समक्ष रखना जरूरी होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि कुछ हद तक इसका पहले भी आंसर दे चुका हूं, फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से इसे रिपीट करता हूं. What are the orders with the EDRC can pass? EDRC can pass three types of order which are agenda. One, make modification in the variation in specified order and decide for the waiver / reduction of any penalty and immunity from prosecution in accordance with Rule 44 DAC. Not to make modification in variations in a specified order and decide for waiver / reduction of penalty and immunity from prosecution in accordance with Rule 44 DAC. Not to make modification in the variations in a specified order. तो आपको ये कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है ताकि आपकी जो एक एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल रहे. अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट विल
एप्लीकेंट डू आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिमांड, कि अगर आपने डिमांड जमा करा दी तो एप्लीकेंट शेल फर्निश द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ डिमांड टू ईडीआरसी एंड ऑल्सो टू द जुरिस्डिक्शन एओ. द ईडीआरसी ऑन रिसीट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ द पेमेंट ऑफ डिमांड मैन ऑर्डर इन राइटिंग ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड वेवर रिडक्शन ऑफ पेनल्टी इफ एप्लीकेबल. तो सारा जो मूल है ईडीआरसी के प्रावधान का वो यही है कि आपको पेनल्टी से वेवर पार्शल या फुल मिल सके, और आपको जो पर्टिकुलर प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड मैटर है उसमें प्रोसिक्यूशन की संभावना को हटाया जा सके. अब मान लीजिए ईडीआरसी कमिटी ने आपके कोई पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन कर दिए असेसमेंट ऑर्डर के संदर्भ में, तो क्या वेदर एन अपील और रिवीजन अगेंस्ट द मॉडिफाइड ऑर्डर इज अलाउड? द आंसर एज पर एफएक्यूज इज नो. नो अपील और रिवीजन शेल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय एओ टू गिव इफेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द डीआरसी. फर्दर वेयर द स्पेसिफाइड ऑर्डर इज एन ऑर्डर ऑफ एलिजिबल असेसी एज रेफर्ड टू इन 144C, द असेसी शेल नॉट बी एलिजिबल टू फाइल एनी रेफरेंस टू द डीआरपी अगेंस्ट द मॉडिफाइड ऑर्डर पास बाय द एओ टू गिव एन इफेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द डीआरसी. क्योंकि अगर ड्राफ्ट ऑर्डर आए तो हो सकता है आपको डीआरपी में भी जाना पड़े, और आप दूसरी ओर यहां पर डीआरसी में भी जा रहे हैं, तो आपको फिर ऐसी परिस्थिति में लॉ ये कह रहा है कि एसएससी शेल नॉट बी एलिजिबल टू फाइल एनी रेफरेंस टू द डीआरपी, फिर आप डीआरपी में नहीं जाएंगे. दो क्विक क्वेश्चन दोस्तों और लूंगा. कैन एप्लीकेंट एड एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव टू फाइल फॉर्म 34BC ऑन हिज बिहाफ? प्राइमा फेसा आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, कि अगर आप चाहें तो अपने चार्टर अकाउंटेंट की ओर से टैक्स कंसल्टेंट की हेल्प से भी फॉर्म 34BC फाइल करवा सकते हैं. इसी प्रकार व्हाट वुड हैपन इफ ईडीआरसी ग्रांट्स वेवर और रिडक्शन ऑफ पेनल्टी? तो देयर द आंसर इज इन सच अ केस पेनल्टी लाइंग पेंडिंग विद अ फेसलेस पेनल्टी यूनिट वुड बी ट्रांसफर टू द जुरिसडिक्शन एओ. आफ्टर ट्रांसफर ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग द जुरिसडिक्शन एओ विल पास एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर गिविंग इफेक्ट टू द ईडीआरसी ऑर्डर ग्रांटिंग वेवर और रिडक्शन ऑफ पेनल्टी. अंत में दोस्तों मैं ये कहूंगा कि ई डी आर सी सीम्स टू बी अ गुड ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ क्लेमिंग द वेवर और रिडक्शन ऑफ पेनल्टी और टू अवॉइड द प्रोसिक्यूशन. प्रोसिक्यूशन के मैटर मैंने देखा टीडीएस नॉन कंप्लायंसेज में बहुत इन दिनों डिपार्टमेंट इनिशिएट कर रहा है. तो ई डी आर सी जहां आपको पेनल्टी के वेवर रिडक्शन के लिए वांछित है या प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए वांछित है, आप इस स्कीम का लाभ अवश्य उठा सकते हैं. हाँ, अब एक बात और जो हमें समझनी है वो क्या है कि इस स्कीम का कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा विवाद से विश्वास के साथ. तो मैं विवाद से विश्वास स्कीम पर भी जल्दी एक वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा कि जिसकी घोषणा इस बजट 2024 में की गई है, और तब आप ये भी कंपेयर करके निकाल सकते हैं बात को कि क्या ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल है ज्यादा या विवाद से विश्वास स्कीम ज्यादा बेनिफिशियल है, दोनों में कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन है अथवा नहीं. इन बातों पर अपनी अगली वीडियो में प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा. तब तक मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.